अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रोहेल फ्रॉम अलाउंस वेल सेंटर। आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए वीवो का न्यू फोन Y02S जो कि पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च हो चुका है लेके आ चुके हैं। सो आइए दोस्तों जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस आपके साथ करते हैं शेयर। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आने वाली हमारी कीमती वीडियो को मिस ना कर सके। अगर इसकी प्राइस चेक पर बात करें तो पाकिस्तान मार्केट में Y02S की प्राइस आपको 30,000 में मिलेगी, पर अगर आप ये फोन अल्लाह मदद से परचेज करें तो इंशाल्लाह हम आपको अच्छे वाले डिस्काउंट के साथ Y02S देंगे जो कि 3GB रैम और 32GB मेमोरी के साथ है। सो आइए दोस्तों आपका मजीद टाइम वेस्ट नहीं करते, बढ़ते हैं जल्दी से बॉक्स की तरफ। अगर बॉक्स की बात की तो बॉक्स के सामने साइड में आपको वीवो Y02S की ब्रांडिंग देखने मिलेगी और नीचे वाली साइड में भी आपको वीवो की ब्रांडिंग देखने मिलेगी। इसी तरह इसके राइट साइड में भी वीवो की ब्रांडिंग देखने मिलेगी और लेफ्ट साइड में भी आपको वीवो की ब्रांडिंग देखने मिलेगी। इसके साथ साथ ऊपर वाली साइड में आपको 3GB रैम और 32GB का मेमोरी का मेंशन होगा और बैक साइड की बात की जाए तो बैक साइड में आपको वीवो Y02S की ब्रांडिंग और नीचे वाली साइड में 5000mAh की बड़ी बैटरी और USB टाइप सी की ऑप्शन मेंशन है। इसके साथ साथ इसका 6.5 इंच का डिस्प्ले मेंशन है और इसमें आपको फिंगरप्रिंट की ऑप्शन नहीं मिलने वाली, इसमें आपको फेस लॉक मिलेगा। तो आइए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस करते हैं शेयर कि ये 30,000 वाली डिवाइस Y02S वीवो की न्यू कैसी रहेगी। हमने इसकी पैकिंग को अनरैप कर लिया है, जल्दी से बढ़ते हैं बॉक्स की तरफ और जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले बॉक्स ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले जो देखने मिलेगी वो है आपकी अपनी डिवाइस जो कि बहुत अच्छी पैकिंग में रैप है। आप देख सकते हैं इसकी फर्स्ट लुक। अगर इसकी फर्स्ट लुक की बात की जाए तो काफी जबरदस्त लुक दे रही है, पर इसको सबसे पहले हम इस डिवाइस को टर्न ऑन कर लेते हैं और बढ़ते हैं बॉक्स की तरफ और देखते हैं इसके बॉक्स में आपको मजीद क्या चीजें देखने को मिलेगी। इसके बाद इसमें डिवाइस के बाद इसमें कुछ आपको पेपर वर्क देखने मिलेगा जिसमें आपको 1 ईयर का वारंटी कार्ड भी देखने को मिल रहा है। एक टाइप सी की केबल आपको इसके साथ देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ इसमें जो अडाप्टर देखने को मिल रहा है वो है 10 वाट का, सिर्फ और सिर्फ आपको 30,000 रुपये में 10 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा। पर इससे ये चार्जिंग स्पीड में काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी स्लो चार्जिंग होगी, पर इसके साथ आपको सिर्फ और सिर्फ 10 वाट का चार्जर ही देखने को मिलेगा। देखा जाए तो इस प्राइस रेंज में आपको कम से कम 18 वाट का चार्जर होना चाहिए था और हमेशा की तरह इसमें हैंड फ्री देखने को मिले। तो बढ़ते हैं जल्दी से अपनी डिवाइस की तरफ। फाइनली डिवाइस टर्न ऑन हो चुकी है और हमने इसका सेटअप भी कर लिया। अगर इसके डिस्प्ले की बात की तो इसके डिस्प्ले में आपको 6.51 इंच का डिस्प्ले देखने मिलेगा जो कि IPS डिस्प्ले है। 30,000 में आपको IPS डिस्प्ले में इस मोबाइल में आपको फिंगरप्रिंट की ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगी, इसमें फेस अनलॉक की ऑप्शन मिलेगी। इसके साथ साथ अगर इसके चिपसेट की बात की जाए तो इसमें आपको चिपसेट P35 चिपसेट देखने मिलेगा जो कि काफ़ी लो रेंज वाला चिपसेट है, काफ़ी स्लो है, इसमें आपको कोई तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। सिर्फ आप देख सकते हैं वीवो ने लुक पे बहुत अच्छा काम किया। बॉडी की बात की जाए तो आउट क्लास बॉडी है कि देखने में लग रहा है ऐसे कि 30,000 से 35,000 वाली डिवाइस है। बाय हैंड फील देखा जाए तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है कि आप बहुत अच्छा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, पर बाय परफॉर्मेंस बात कीजिए तो इसमें आपको कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली। ये बिल्कुल आप व्हाट्सअप चला रहे हैं, कोई गेमिंग के लिहाज से भी नहीं फ़ोन, बिल्कुल नॉर्मल कैमरे का रिजल्ट भी देखने में कि इसमें कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आपको मिलेगी। अगर इसकी बैटरी की बात की तो इसमें आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने मिलेगी। इसके साथ साथ आपको इसमें 10 वाट का चार्जर देखने मिला जो कि देखा जाए तो इस रेंज में बहुत कम है, पर इसमें बैटरी टाइम के लिहाज से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, बैटरी टाइम भी आपको काफ़ी ज़्यादा देगा। लुक की बात की तो आप देख सकते हैं नीचे वाली साइड में आपको वीवो की ब्रांडिंग देखने मिलेगी और काफ़ी ग्लासी सी लुक प्रोवाइड कर रहा है, काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है। इसकी बैक साइड पे काफ़ी शाइनी सी बॉडी है और इसके राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की ऑप्शन मिलेगी, इसके साथ साथ पावर बटन की ऑप्शन देखने मिलेगी। नीचे वाली साइड में आपको टाइप सी की ऑप्शन और एक स्पीकर की ऑप्शन, एक हेडफोन जैक की ऑप्शन देखने मिलेगी और इसकी सिम ट्रे की बात की जाए तो ऊपर वाली साइड में आपको एक सिम ट्रे की इसकी ऑप्शन देखने मिलेगी। इसके साथ अगर इसके कैमरों की बात की तो बैक साइड में इसके वैसे तो दिखने में 2 कैमरे का सेटअप नजर आ रहा है, पर इसके साथ साथ एक कैमरा इसमें देखने मिलेगा जो कि 8 मेगापिक्सल का एक कैमरा है। उसके साथ साथ नीचे वाली साइड में एक फ्लैशलाइट की ऑप्शन है और साथ ब्रांडिंग मेंशन है AI कैमरा जो कि काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। उसके फ्रंट साइड के कैमरे की बात की तो इसमें 5 मेगापिक्सल कैमरा आपको देखने को मिला है। देखा जाए तो काफ़ी लुक वाइज अच्छी डिवाइस है, पर इस प्राइस रेंज में आपको इससे कुछ बेहतर देखने को मिलेगा, पर वीवो ने सिर्फ और सिर्फ लुक पे काम कर दिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी मज़ेदार लुक प्रोवाइड कर रहा है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट की ऑप्शन नहीं मिलेगी, फेस अनलॉक की ऑप्शन मिलेगी, तो इस फेस अनलॉक को टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं फेस अनलॉक आपको कितनी स्पीड में वर्क करता है।
पार्क में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, विद इन सेकंड फेस अनलॉक ओपन हो रहा है। इसके साथ साथ हम इसके कैमरे को भी टच कर लेते हैं, फ्रंट साइड के कैमरे को। अब देख सकते हैं इतनी अच्छी लाइट्स में भी आपको इसके कलर नॉर्मल देखने को मिल रहे हैं, काफी अच्छे ग्राफिक्स नहीं आए। सो इस प्राइस रेंज में अगर आप देखा जाए, आप नॉर्मल यूज करने के लिए फोन लेना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ये तो परफॉर्मेंस में आपको वीवो की तरफ से कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, बहुत ही हल्के वाला चिपसेट देखने मिला। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिए और हमारे चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।